हरे कृष्णा। सात्विक रसोई में मैं डॉक्टर वंदना सोनार आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता कचौड़ी विद आलू की सब्जी। खस्ता कचौड़ी ये बड़ी क्रिस्पी होती है और इसे मथुरा में या उत्तर भारत में आलू की सब्जी के साथ खाया जाता है, क्योंकि इसका मज़ा आलू की सब्जी के साथ बड़ा डिफरेंट आता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता कचौड़ी विद आलू की सब्जी। ये कचौड़ी जो है वो हमारे श्रीला प्रभुपाद जी की बड़ी फेवरेट डिश है। जब वो छोटे थे, जब उनकी मम्मी बनाती थी, तो वो उन्हें पॉकेट में भर लेते थे, इसलिए उनका नाम है कचौड़ी मुखी। तब कहा जाता था उन्हें कचौड़ी मुखी। तो उनका स्मरण करते हुए मैं शुरू कर रही हूँ हमारी डिश खस्ता कचौड़ी। तो पहले हम एक बोल में खस्ता के लिए मैदा लेंगे 1 कप। इसमें खस्ता करने के लिए इसमें हम डालेंगे तेल 2 बड़े चम्मच, नमक 1 चम्मच, और इसे नरम गूंद लेना है। तो अब मैंने इसमें मौन डाल दिया है, अब हम इसमें पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। आटा नरम ही गूंदना है। इसे खस्ता कचौड़ी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये क्रिस्पी ज़्यादा होती है। तो जब भी ये आटा गूंद रहे हैं, ये नरम होगा, तो जब हम तलेंगे तो अच्छा क्रिस्पीनेस आएगी इसको, इसलिए हम इसमें मौन देते हैं। पहले मौन देके हमने इसे अच्छे से मसल लिया था, अब इसमें पानी डाल के सॉफ्ट आटा बना रहे हैं। तो ये अपने खस्ता का कोटिंग तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और तेल डाल के ग्लेज कर लेंगे। ये आटा ऐसे ही इतना ही सॉफ्ट रहना है ऐसा, और इसे हम साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अंदर फिलिंग जो भरना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लेते हैं, पैन में तेल डालना है, एक से 1.5 चम्मच। में 1 चम्मच जीरा आएगा, एक चौथाई चम्मच हींग, एक लौंग, अब इसमें हम उड़द दाल डालेंगे। ये मैंने रात को भिगा के रखी हुई है। काफ़ी लोग इसे पीस के डालते हैं, पर वो भूनने में ज़्यादा टाइम लगती है, इसलिए मैं इसे पहले भून लूँगी फिर हम पीसेंगे। करीबन 1 कप लिया है। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। एक चम्मच मिर्ची, धनिया पाउडर, इसे भून लेंगे अच्छे से। थोड़ी स्लो फ्लेम पे भूना जाएगा ये। काफ़ी अच्छी खुशबूएं आ रही है इसमें से, हींग की, जीरे की, भुनने हुए जीरे की। थोड़ा टाइम लगता है इसे, इसलिए पहले ही मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसे पीसिएगा मत, पहले ही इसे भून लीजिए और फिर से बाद में हम इसे पीसेंगे। तो जल्दी होगा हमारा ये बैट फिलिंग रेडी। इसमें नमक डालना है, खस्ता
खस्ते में हमने नमक डाला है इसलिए इसमें 1 चम्मच काफ़ी होगा। खस्ता कचौड़ी को वैसे तो हम घर पे कैसे भी खा सकते हैं, दही में दही कचौड़ी करके उसे चाट के तरह, या फिर उसे तीखी मीठी चटनी की तरह, या ये गरम गरम ऐसी भी अच्छी लगती है। लेकिन जो आज हम बना रहे हैं ये आलू की सब्ज़ी, जो खट्टी मीठी आलू की सब्ज़ी, ये स्पेशलिटी सिर्फ मथुरा की है। तो आप ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई कीजिए विद आलू की सब्ज़ी, ये इसमें बड़ा ही अलग टेस्ट आएगा आपको। अभी ऑलमोस्ट अपना उड़द दाल भून चुकी है, इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, ये लास्ट में डाल के थोड़ा और इसे भी रोस्ट होने देना है सौंफ को। ये थोड़ी ब्राउनिश या रेडिश लगेगी तब आपको समझ जाएगा कि ये भुन चुकी है। और ये लौंग एंड सौंफ का जो फ्लेवर्स आएंगे, ये बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनेगी इसकी। में थोड़ा आमचूर डालना है। वन टू वन एंड हाफ टीस्पून, इससे इसमें खट्टापन आएगा और बड़ी चटपटी सी बनेगी। थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे 1/2 चम्मच, थोड़ा गरम मसाला 1/2 चम्मच, इसमें अभी थोड़ा सा धनिया डालेंगे, फ्रेश कोरिएंडर, थोड़ी हरी मिर्ची। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा हरी मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने 1 छोटी हरी मिर्ची डाली है बारीक काट के। बस ये अभी हमारी फिलिंग तैयार है, इसे अभी हम मिक्सर में से निकाल के कोर्सली ग्राइंड करेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है, इसे क्रोसली ग्राइंड रखना है। अब हम इनको मिक्सर में निकाल लेते हैं, इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर साइड में रख देंगे, तब तक हम अपनी आलू की सब्जी बना लेंगे। आइए तो अभी हम एक पैन ले लेते हैं आलू की सब्जी के लिए। इसमें हम एक घी लेंगे 2 चम्मच, घी थोड़ा गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच और लौंग डालेंगे 2। गैस बड़ी कर लेंगे, इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी 1/4 चम्मच, जैसे ही थोड़ा गर्म होने लगेगा इसमें हम पानी डालेंगे। इस पानी में ही हम मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक और अपने बॉईल किए हुए आलू। 3 से 4 आलू ने बॉईल करके ये छोटा बारीक काट के रखा हुआ है। ये पानी डालने का पहले रीजन था कि थोड़े से मसाले ना मीडियम
कुक करने हैं, एकदम भुने हुए नहीं चाहिए, इसलिए इसका टेस्ट अलग आता है थोड़ा। अभी इसे ढक के थोड़ा शिमर होने रख देंगे, तब तक हम हमारी कचौड़ी का बैटर पीस लेंगे। तब हमने फिलिंग को पीस लिया है, इसे ऐसे कोर्सली पीसना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है हमें। मैं निकाल रही हूँ इसे एक बाउल में। एकदम बारीक पीसने से क्या होगा कि आपकी कचौड़ी भरते समय आपको तकलीफ़ आएगी और वो खाने में ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगती। थोड़ी जब दाल मुँह में आए तो वो अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा क्रंची लगता है। तो हमारी बढ़िया फिलिंग तैयार है, आलू की सब्जी उबल रही है, कचौड़ी बनाना तैयार करते हैं। आइए एक बार हम अपनी आलू की सब्जी देख लेते हैं। ये आलू अच्छे से नरम हो गए हैं, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसमें अमचूर डालेंगे, अमचूर पाउडर 2 टीस्पून, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, जिसे हम बाजू में दूसरी गैस पे शिमर होने रख देते हैं। और एक और कढ़ाई लेके हम इसमें तेल गरम करने लगते हैं। इसे हम ढक देते हैं। तो तेल हमने गरम करने रख दिया है, आइए अब अपनी कचौड़ियाँ बनाते हैं। जो मैदा का घोल पेड़े बनाएंगे ऐसे, के फिलिंग बनाने के जो फिलिंग में थोड़ा सा हम सोडा डालेंगे भरने के पहले 1/4 चम्मच, ताकि खस्ता कचौड़ी और भी ज़्यादा खस्ता बने और उससे हमारी एक एक कचौड़ी फूक के निकलेगी, तो वो हम इसमें डालते हैं। अभी इस तरह एक रोटी बना ली, उसमें ये फिलिंग की 1 चम्मच, इसमें थोड़ा हींग का पानी लगाना है साइड में। इनका पानी सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए दिया है, ऑल्सो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। अगर आपको हींग का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल पानी लगा सकते हैं, और इसे अच्छे से चिपका लीजिए इस तरह। इसे हाथ से ऐसे रोल करना है और बस पीछे से एक बार इसे ऐसे गोल करना है। तेल गरम है, इसमें हम डाल देते हैं कचौड़ी। इसे स्लो पे ही सेकनी है ताकि ये क्रिस्प रहे। तब तक ये आलू की सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम गैस बंद कर देंगे और इसी तरह सारी कचौड़ियाँ का रेडी कर लेंगे हम। तो हमारी सारी कचौड़ियाँ अच्छे से फूक रही हैं, इसे धीरे धीमी आंच में खस्ता होने हमने रख दिया है, और आलू की सब्जी तो तैयार हो ही गई है। जैसे ये क्रिस्प हो जाएगी, इसे गरम गरम आलू की सब्जी के साथ हम प्रसाद के लिए रेडी करेंगे। तो अब हमारी बढ़िया खस्ता कचौड़ी तैयार हो गई है, अच्छे ब्राउन कलर आ गया इसका, सुनहरा रंग, इसको मैंने निकाला है प्लेट में। अच्छी क्रिस्प लग रही हैं ये, तो हम इसे अच्छी खट्टी आलू की सब्जी के साथ
प्लेटिंग करते हैं। तो हमारी बढ़िया खस्ता कचौड़ी और आलू की खट्टी सब्जी तैयार हो गई है। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये घर पे ज़रूर ट्राई करें और खाएं। इसको हम तुलसी का पत्ता रख देते हैं और इसका भोग लगाएंगे और ये तैयार है। तो इसी के साथ देखते रहिए सात्विक रसोई, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। हरे कृष्णा। आटा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 बड़ा कप, तेल 2 बड़े चम्मच, पानी 1/2 कप, नमक 1 छोटा चम्मच। पिट्ठी बनाने के लिए हमें चाहिए तेल 1.5 बड़ा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, हिंग 1/4 छोटा चम्मच, लौंग 1, भिगोई हुई सफेद उड़द दाल 1 कप, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 2 छोटे चम्मच, काली मिरी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पत्ता 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, खाने वाला सोडा 1/4 छोटा चम्मच। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए घी 2 बड़े चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, हिंग 1/4 छोटा चम्मच, लौंग 2, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, उबले हुए आलू 3 से 4, आमचूर पाउडर 2 छोटे चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच। आटा बनाने के लिए 1 बड़े बोल में मैदा ले, उसमें तेल और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ ले। पिट्टी बनाने के लिए 1 पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पे उसमें जीरा, हिंग, भिगोए हुए सफेद उड़द दाल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर धीमी आंच पर भून ले। अब उसमें नमक डालकर अच्छे से हिलाए, बाद में सौंफ डालकर अच्छे से भून ले। फिर उसमें आमचूर पाउडर, काली मिरी, गरम मसाला, धनिया के पत्ते और हरी मिर्च डालें। इस मिश्रण को ठंडा होने दे और फिर मिक्सी में डालकर पीस ले। अंत में खाने वाला सोडा डालें और अच्छे से मिलाएं। आलू की सब्जी बनाने के लिए 1 पैन में धीमी आंच पर घी गरम होने दे। उसमें जीरा, हींग, लौंग, हल्दी और पानी डाल के अच्छे से मिला ले। अब लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और उबले हुए आलू मिला के अच्छी तरह पकने दे। थोड़ा पानी डाले और फिर आमचूर पाउडर और गरम मसाला डाल के धनिया के पत्ते डाले और मिक्स करें। कचौरी बनाने के लिए आटे की लोई लेकर उसे गोल आकार दे और अपने हाथों से चपटा करके बेल ले। अब बीच में पिट्ठी भरे और किनारों पे हिंग का पानी लगा ले। पिट्ठी भरने के बाद अब इसे अच्छी तरह से बंद करें। फिर एक छोटी पूरी के आकार में बेल ले और तलने दे। सुनहरा रंग आने पर इसे निकाल दे। हमारी कचौरी तैयार है। इसे आलू की सब्जी के साथ सर्व करें।